हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अगेन द अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने आर्म्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस ऐसी कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज है जो आपके आर्म्स को ओनली ऑन वन वीक में मजबूत कर देगी। आप कोई भी भारी सामान उठाओगे तो आपको वो भारी नहीं लगेगा। जैसे 10 किलो आपको भारी लगता है तो आपको भारी नहीं लगेगा। ओनली 5 एक्सरसाइजेज वी विल डू एवरी डे। मेरी 5 एक्सरसाइज को देखो तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली 5 एक्सरसाइज गारंटी के साथ आपके आर्म्स मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू। हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक्सरसाइज जिसका नाम है पुशअप्स। हमें पहले स्मॉल पुशअप्स मारने हैं, बैक पीछे को करना है ऐसे। पहले ये छोटे पुशअप्स पुश करना है बैक को ऐसे। दिस 30 seconds। आपको इस पोजीशन पे जाना है ऊपर नीचे। पहली एक्सरसाइज में आपने अपनी इस पोजीशन को मजबूत रखना है, इसे हिलाना नहीं है इधर उधर, ठीक है। और पुशअप्स करने हैं बैक को, रिवर्स पुशअप्स। इससे हमारी जो ये चीज़ है ये मजबूत होती है और ये बहुत ही पावरफुल हो जाती है। देन फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद आती है सेकेंड एक्सरसाइज, देखिए करते हैं। इसमें आपको लॉन्ग पुशअप्स मारने हैं एंड सिंपल पुशअप्स मारने हैं, नॉट दिस दिस। देखो ऐसे, नॉट दिस, ऐसे नहीं मारना, ऐसे मार, ठीक है। पूरा वेट आप अपने आर्म्स को दे दो, जितना भी वेट है आप अपने आर्म्स को दे दो ऐसे। अब इतने मार सकते हो उतने मार। ऐसे इस एक्सरसाइज में आपके साइड के जो कट होते हैं ये पावरफुल होंगे और ये यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक मजबूत कर देंगे। सेकेंड एक्सरसाइज के बाद हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग तो आपको पता ही है कैसे करना है। आपको इस पोजीशन पे आना है एंड पुशअप्स, लॉन्ग पुशअप्स के पोजीशन पे ऐसे, और ऐसे करना है आपको, थोड़ा ऊपर आ जाना है ऐसे। जितने सेकंड से कर सकते हो उतने, 5, 10, 15, 20 आप जितने तक कर सकते हो उतने। पहले पहले तो आपको बहुत परेशानी आएगी, आप 30 सेकंड्स तक नहीं कर सकोगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो वैसे वैसे आप अपने टाइम्स को बढ़ाते जाना। ऐसे करना है आपको। थर्ड एक्सरसाइज के बाद आते हैं हम फोर्थ एक्सरसाइज में। इसमें आपको इस एक्सरसाइज में अपने आपके शोल्डर को टच करना है। इस एक्सरसाइज में जब हम अपने शोल्डर को टच करते हैं जो हमारा सारा भार है वो एक हैंड पे आ जाता है, जिससे वो भार उठाने के काबिल होता है। देखिए कैसे, दिस इज अ फोर्थ एक्सरसाइज। आपको जितना आप इससे खुला कर सकते हो उतना कर लें, जरूरी नहीं कि इतना ही, जितना कर सकते हो। मैं इतना करता हूँ और अपने लेग्स को ऐसे करता हूँ। उसके बाद प्लैंक टच, सॉरी शोल्डर टच ऐसे। देखो पूरा भार एक आर्म्स पे आ गया ना। इसको आपने होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड तक, 10 सेकेंड।
ऐसा वो करते रहते हैं। हो सके तो आप जब शोल्डर टैप करें तब बीच बीच में पुशअप्स में मार लें। मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे एंड होल्ड पुशअप्स, होल्ड पुशअप्स, होल्ड। इस एक्सरसाइज को आपको ऐसे करना है। आपको मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज से आपके जो आर्म्स हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, जो सारा भार है बॉडी का वो आर्म्स पे आ जाता है, और इससे हमारी जो स्टैंड करने की पोजीशन है वो भी हम काम करते हैं वो बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाता है, हमें हैवी फील होता भी नहीं। फोर्थ एक्सरसाइज के बाद हम फिफ्थ एक्सरसाइज में आते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट है, इस एक्सरसाइज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में आपको पहले स्मॉल पुशअप्स करने हैं, फिर लॉन्ग पुशअप्स करने हैं, फिर रिवर्स पुशअप्स करने हैं, फिर आपको टचेस करने हैं। आपको देखना हमें आपको इस पोजिशन पर लेग स्क्वाटिंग, इस पोजिशन पर पहले स्मॉल पुशअप्स, फिर लॉन्ग पुशअप्स, फिर इसको आप ऐसे भी करना, ऐसे करना शोल्डर टैप्स, प्लैंक टच, एंड फिर पुशअप्स। देखो कैसे, पहले स्मॉल, लार्ज, शोल्डर टैप्स, प्लैंक टच, आखिरी में आपको हम पैर को खोल देते हैं, ठीक है? आप करो इस एक्सरसाइज को आपको डेली करते जाना है। आप इसको 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, गारंटी के साथ आपके आर्म्स बहुत ही मजबूत हो जाएंगे सिर्फ एक हफ्ते में। मैं अपनी प्रोग्रेस बता रहा हूँ, मुझे पहले 10 किलो भार उठाने में बहुत डिफिकल्ट होता था, अब मैं 20 से 25 किलो उठा लेता हूँ भार, वो भी एक हाथ से। आपको विश्वास नहीं होगा ना, लेकिन मैं उठा लेता हूँ 25 किलो एक हाथ से, और वो भी यहाँ तक आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को